आजकल हमारे देश में हर रास्ते पर, चौराहे पर, नुक्कड़ पर लोग कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, पर हैरानी की बात यह है, एंड विच कैन ओनली हैपन इन इंडिया, हमारे स्पेशल देश में, कि कुछ स्पेशल लोग हैं जो कचरों के खिलाड़ी ये ऐसे लोग हैं जिन्हें कचरा पसंद है, हाँ, ना के अक्षय कुमार, दे जस्ट लव कचरा। यही वो लोग हैं जिनके कारण आपके शहर से कूड़ा करकट कभी साफ नहीं होगा। तो आए हम कुछ ऐसे ही कचरों के खिलाड़ियों से मिलते हैं इन आवर नेक्स्ट सेक्शन कॉल्ड भूतनाथ। रिसेशन के कारण मेरे बजट की माच थी, लेकिन कचरे ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। लोग कचरे में खाना फेंक दिया करते हैं और मेरा टॉमी वहीं जाकर खाना खा लिया करता है। मुझे टॉमी को कुछ भी नहीं खिलाना पड़ता, एंड नाउ माय बजट इज एडजस्टेड। थैंक यू बीएमसी। मैं एक ड्रग एडिक्ट था, कोकेन लेता था, हेरोइन भी लेता था। मेरे माँ बाप ने मुझे रिहैब सेंटर में डाल दिया। बार बार विड्रॉल सिंड्रोम होता था। एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था कि मेरे बाजू में से एक कचरे की गाड़ी गुजरी और उसकी खुशबू से जैसे मुझे नशा सा छा गया। आज मैं कचरे की गाड़ी का ड्राइवर बन गया हूँ। सो से नो टू ड्रग्स, यस टू कचरा। मैं एक गरीब आदमी था, मैं धारावी में कचरे के डिब्बे में सोता था। मैं सोचता था यार ये कैसी जिंदगी है, कहाँ इस कचरे में आकर फंस गया। फिर मुझे ये मिला, मैंने इसको अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई, इसने मेरे कचरे से कहानी पर एक कचरा से फिल्म बनाई, स्लम डॉग मिलियनेयर। नाउ आई एम अ मिलियनेयर, और देखो कचरे को ही ऑस्कर मिलता है। थैंक यू इंडिया, थैंक यू कचरा, थैंक यू डैनी बॉय। एक दिन मैं कचरा डालने गया था और सुभाष घई ने मुझे देख लिया। मेरा कचरा डालने का स्टाइल उसे बहुत पसंद आया और मुझे किसना 2 में रोल मिल गया। थैंक यू सुभाष घई, थैंक यू डैनी बॉयल, और थैंक यू कचरा। मैं साला ये कचरे का ट्रक चला के परेशान हूँ। जिस भी गली से जाता हूँ वहाँ से लोग मेरे को देखते हैं, अपने मुंह पे कपड़ा रखते हैं और गुस्से से बोलते हैं, तुझे यहीं से जाना था। जब भी मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेरठ के किसी बाग बगीचे पे जाता हूँ तो वहाँ की मॉरल पुलिस हमें खूब धोती है। फ्रस्ट्रेट हो गए थे हम दोनों। तभी मेरे एक फ्रेंड ने हमें मेरठ के बाहर एक डंपिंग ग्राउंड के बारे में बताया। आजकल मैं वहीं जाता हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ टेट पर। और आजकल वैसे स्वाइन फ्लू चल रहा है तो मास्क के कारण न बदबू आती है और न कचरे के कारण लोग। जय डंपिंग ग्राउंड। आया जानू। हाय, I'm a software engineer and I had gone to US on a job, पर यार वहाँ कहीं कचरा नहीं दिखाई देता। फ्रेश एयर सूंघ के मुझे अस्थमा हो गया है यार, इसलिए मैं वापस लौट आया। कुछ भी कहो, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। मैं अभी एयरपोर्ट से आ रहा हूँ और एयरपोर्ट के बाहर ही इतना कचरा है कि आफ्टर स्मेलिंग दैट आई एम ऑलरेडी फीलिंग बेटर। आई डोंट नीड दिस एनीमोर। काश US में भी इंडिया की तरह म्यूनसिपैलिटी होती तो उन्हें एक काबिल सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हाथ नहीं धोना पड़ता। देयर लॉस। मैं रोज चिता सड़कों पे निकम्मा घूम रहा था। एक दिन मुझे वहां कचरे का ढेर मिला। वहां मुझे लॉटरी की टिकट मिली, 8 करोड़ की लॉटरी लगी, पता है? तब से लोग मुझे कचरा सेठ बोलते हैं। कचरे ने मेरी लाइफ बदल दी। थैंक यू कचरा। एक दिन कचरे के डिब्बे से प्लास्टिक बैग्स इकट्ठे करते हुए मुझे एक डायमंड रिंग मिली और मैंने शादी कर ली। थैंक यू कचरा। दिवाली के टाइम मेरे घर पे बहुत सारे अनवांटेड गेस्ट होते और मेरी छुट्टी की वाट लग जाती है, तो ऐसे टाइम में मेरे पड़ोसियों को कहता हूँ कि यार मेरे घर के सामने कचरा फेंको, खूब सारा कचरा फेंको। उस कचरे के कारण इतनी बदबू आती है कि नोबडी कम्स टू माय हाउस एंड आई हैव अ गुड टाइम विद माय काम वाली भाई। आप भी हमारा ये कचरा शो देखना बंद करो एंड टेक दैट मच नीडेड क्रैप वेयर एवर यू वॉन्ट टू। इट्स अ फ्री कंट्री एज यू जस्ट सॉ। आई लव माई कंट्री। जय हिंद। Na 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 na